next question question says a person is standing on weighing machine placed on a floor uh, on the floor of an elevator the elevator starts going up with some acceleration moves with uniform velocity for a while and finally uh, decelerate to stop the maximum and the minimum weight according uh, recorded are 72 kg and 60 kg uh, respectively assume that the magnitude of the acceleration and the deceleration are the same Uh, हमें बताना है फाइंड द ट्रू वेट ऑफ द पर्सन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन और टेक जी इज इक्वल टू नाइन पॉइंट नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑल आइट सो सिंपल सवाल है स्नैरियो uh, ये है कि यह आपका लिफ्ट लिफ्ट में एक बंदा ऐसे खड़ा हुआ है और वो खड़ा हुआ है एक वेइंग मशीन पे पहले लिफ्ट ए एक्सेलेशन से ऊपर जाती है फिर आपका एक्सेलेशन जीरो हो जाता है और फिर एक्सलेशन से नीचे आती है नाउ इस केस में आ, आपका जो मैक्सिमम वेट नापा गया बंदे का आ, वो डब्ल्यू मैक्सिमम दैट इज़ इक्वल टू सेवेंटी टू डब्ल्यू मिनिमम जो है दैट इज इक्वल टू सिक्सटी के अपने को दिया हुआ है और हमें कहा है जी की वैल्यू वी कैन यूज़ 9.9 नाइन और जी इज़ इक्ल टू नाइन पॉइंट नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नाओ हाँ ये बात अपने को पता है कि लिफ्ट जब एक्सेलेसन से ऊपर जा रही है तो आपका जो वेट आएगा एम जी प्लस ए होएगा दैट इज़ इक्ल टू सेवेंटी टू ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई और जब वो नीचे आ रही है तो आपका एक्सेलेशन नीचे है, और उस केस में आपका एम जी माइनस ए दैट इज़ इक्ल टू सिक्सटी ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई नाव हाँ इन दोनों को अगर हम पकड़ के डिवाइड कर देंगे तो आपकी एम की सुपारी हो जाएगी सो so, अपना ये आ गया Uh, हम कर रहे हैं वन डिवाइडेड बाय टू सो यानी कि जी प्लस ए डिवाइडेड बाय जी माइनस ए दैट इज इक्वल टू सेवेंटी टू डिवाइडेड बाय सिक्सटी ट्वेल्व से कैंसिल हो जाएगा सो सिक्स बाय फाइव ही आ गया हालांकि अब इसको अगर आपको कंपोनेंट और डिविडेंडो आता है तो उससे एक स्टेप कम हो जाएगा बट लेट्स नॉट अज्यूम दैट तो इसको फाइव से और सिक्स से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया फाइव जी प्लस फाइव ए इज इक्वल टू सिक्स जी माइनस सिक्स ए नाव जी को इधर ले आते हैं ए को इधर ले आते हैं सो so, ये हो गया इलेवन ए विल बी इक्वल टू जी विच एम्प्लाईज ए इज इक्वल टू जी बाय इलेवन और यहाँ पे अपने को जी uh, की वैल्यू दी हुई है नाइन पॉइंट नाइन सो विच एम्प्लाइज ये हो गया नाइन पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाई इलेवन विच मेक्स इट जीरो पॉइंट नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये आपका एक्सेशन आ गया नेक्स्ट पार्ट हमें इसका ट्रू वेट बताना है सो so, उसको करने के लिए ये जो हमने दो इक्वेशंस को डिवाइड किया उसके बजाय अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो आपकी एक ही सुपारी हो जाएगी सो so, अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट है उसमें कर रहे हैं इन दोनों को ऐड सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर सेइंग इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये एम ए और एम ए कैंसिल हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड बचेगा टू एम विल बी इक्वल टू सेवेंटी टू प्लस सिक्सटी विच एम्प्लाइज एम विल बी इक्वल टू टू डिवाइडिड बाय टू सो दैट विल भी इक्वल टू सिक्सटी सिक्स के जी हालांकि सो ये आपका ट्रू वेट हो गया सो so, आपका एक्सलेशन आ गया पॉइंट uh, नाइन और ट्रूवेट आपका एम जी आ गया सिक्सटी सिक्स के जी